जो मनुष्य जीवन पर्यंत दान पुण्य के चक्कर में लगे रहती हैं, फिर भी उनको पाप पुण्य मृत्यु का भय लगा रहता है। उन लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, आप सामर्थ्यवान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है या थोड़ा सामर्थ्य है और आपके माता पिता जीवित हैं, तो माता पिता की इच्छा के जो माता पिता को बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे पकवान स्वादिष्ट पकवान खिलाएं, उनकी सुंदर जो उनको अच्छी लगती हो, माँ को जो सुंदर साड़ी लगती हो, माँ को सुंदर जो चूड़ियाँ लगती हो, माँ को सुंदर जो बिछिया लगती हो, माँ को सुंदर जो चूड़ियाँ लगती हो, वही अन्नपूर्णा माता अपनी माँ में देखकर, अपनी माता में ही जगत माता देखकर उनको वो दिला दीजिए, आपका पुण्य उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आपके पिता को बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पीला कुर्ता या जैसे वस्त्र पहनते हैं उनको वो दिला दो, अपने पिता की बढ़िया उनको ऊंची सी बढ़िया एकदम जूती होती हैं राजस्थानी जूतियाँ बढ़िया पहनाओ, चरणों में उनके पहनाओ, अपने पिता को ही स्नान करा दो, उनके चरणों में तीर्थ, अपने माता पिता इनकी सेवा के बाद में जब इनकी आज्ञा हो जाए बेटा हमारी खूब कर लो, अब आपको जो ऐसी कृत्य करो तो उनकी आज्ञा लेकर आपको वहाँ करना चाहिए। क्योंकि जब कार्तिकेय भगवान और गणेश जी में जब जगत की परिक्रमा लगाने की रेस हुई थी ना, तो गणेश जी ने जो बुद्धि एवं ज्ञान के दाता हैं उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की स्नान करने के बाद में परिक्रमा करी थी, तो मैया बोली पार्वती मैया के अरे लाला अरे गणेश तुम्हारा बड़ा भाई देखो कार्तिकेय तो बहुत दूर पहुँच गया, आप अभी तक क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बताया कि हे जगदम्बे माँ भवानी, माता पिता ही पुत्र का संसार हैं, माता पिता के चरणों में ही इस दुनिया के संपूर्ण तीर्थ हैं, मेरे पिता तो साक्षात चंद्रशेखर हैं, जिनके चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराज रहा है, गंगा जैसा पवित्र तीर्थ जिनकी जटाओं में कल कल कह के बह रही हैं गंगा जी, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको पूजते हैं, जिन्होंने हलाहल विष धारण किया, वही मेरे सर्वेश्वर हैं। इसलिए अपने माता पिता की गणेश जी ने तीन परिक्रमा करी एवं विजयी माने गए, और इसी वजह से उनकी शादी गणेश जी की बड़े भाई से पहले हुई, यानी कार्तिकेय जी से पहले गणेश जी की शादी का वर्णन है। तो मेरे साथियों हमें बस यही बताना है कि कार्तिकेय भी भोले बाबा का ही स्वरूप है, वो तो उनकी लीला है, और कई वेद पुराणों में गणेश जी श्री कृष्ण भगवान का रूप है, बम्बे वेद पुराणों या कई पुराणों में ये लिखा हुआ है, ये तो प्रभु की लीला है, भोले बाबा हमेशा इनसे दूर रहते हैं, शादी विवाह के लिए कृष्ण भगवान को करवा देते हैं, विष्णु भगवान को करवाए देवाने तुम ही राजसी ठाठ से आप ही रहो, हम तो पीछे से रहेंगे। तो साथियों हमारा यही कहना है कि माता पिता गुरु चरण में सारे तीर्थ धाम हैं, क्यों भटके तू बंदे जग जग में, माता पिता में जग बसे, जीते जी कर ले तू सेवा मत पर चक्कर में, माता पिता की सेवा में कितनो सुंदर मीठो नाम, जाति सुंदर नहीं है पूरी दुनिया में को गाम, जीते जी कर ले रे सेवा माता पिता के चरणन की। कई कई लोगों की माता पिता से उनकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है एक दिन लड़ाई झगड़ा को दूसरे दिन फिर पैर पकड़ लो, फिर उनकी सेवा कर लो, फिर लड़ाई होगी फिर पैर पकड़ लो, माता पिता के चरणों में बड़ा आनंद है। आहा गुरु गुरु चरण कमलभ्यो नम, श्री मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नम, ओम शिव शिव ओम शिव शिव ओम।